नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जानकर हैरानी होगी कि इस चीज को रोटी के साथ खाने से शरीर में धीरे धीरे कैंसर की बीमारी हो जाती है। इसीलिए अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो भूलकर भी रोटी और चावल एक साथ नहीं खाने चाहिए। रोटी और चावल एक साथ खाने से कैलोरी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी पेट और स्वास्थ्य सहज महसूस करने लगता है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आपको केवल चावल ही खाने चाहिए और उसके साथ रोटी का सेवन ना करें। वैसे हम आपको बता दें कि रात के समय रोटी खाना ही ज़्यादा बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप रात को चावल का सेवन करते हैं तो यह पचाने में भी काफ़ी समय लेते हैं। यहाँ तक कि डायबिटीज़ के मरीजों को तो चावल खाने ही नहीं चाहिए। इसके साथ अस्थमा के मरीजों को भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी सांसें फूल जाती।